प्रथम बेला में कथा में सुना सरस्वती मैया ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। राधेश्याम जी कहते हैं, काम कर गई अंत में नांगन की फुकार, लगी कांपने के कई डगमग भये विचार। और जब इतने कठोर शब्द कहे तो केकई कांप उठी। व्यासाय विष्णु रूप व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे प्रभु निधे वशिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवा गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोली व्यास जी महाराज की जय। आप लोगों ने कथा में सुना मंथरा ने इतना कहा इतना कहा, आखिरी में केकई कांपने लगी। राधेश्याम जी कहते हैं, केकई देखो बिगड़ता वही है जो पहले से बिगड़ा हुआ हो, बिगड़ता वही है जो पहले से बिगड़ा हुआ हो। राधेश्याम जी कहते हैं, काम कर गई अंत में नागिन की फुकार, लगी कांपने के कई डगमग भये विचार। केकई कांपने लगी और कहां पहुंची है, कोप भवन में। महाराज केकई कोप भवन में पहुंची, सारे वस्त्रों को केकई उतार उतार कर फेंकने लगती है। आज ऐसा लग रहा है जैसे केकई विधवा हो गई। सिंगार दानी है जो वो बिखली पड़ी है। ये लग रहा है कि कई विधवा हो गई। राधे श्याम जी कहते हैं, और कर दिए वस्त्र सब तार तार, अरे लटके मोती जंजाल हुए, बाल हुए खबर किसको मिली, महाराज को खबर मिली कि केकई कोप भवन में है। जैसे ही महाराज को पता चला
के कई कोप भवन में है। तो गोस्वामी जी दोहे में कहते हैं, सांझ समय सानंद नप गयो के कई गे हा। और भैया के कई किस समय कोप भवन में है और महाराज दशरथ सांझ के समय में, सांझ के समय में कभी भी काम वासना को नहीं जागृत करना चाहिए। महाराज के अंदर काम वासना जागृत हुई और रंगनाथ मंदिर की पूजा छोड़कर केकई के कोप भवन में पहुंच गए। और जैसे ही महाराज कोप भवन में पहुंचे हैं और महाराज निकट जब गए तो केकई से कहा, हंसकर कहा, जाई निकट नप का मृदुबानी, प्राण प्रिय क्यों रिसानी हो, अनहित तोर प्रिया के ही कीना। तुम्हारा अनहित किसने किया है? और महाराज बोलते तो बोलते महाराज कुछ और बोले गए, कहीं कहीं रंग कहीं करो नरेशो, कहूं कहीं रंग कहीं करूं नरेशो, कहूं कहीं न बहिनी का सो देसो, बताओ किसको राजा बना दूं, किसको देश से निकाल दूं। ये किसी के बस के बात नहीं है कि किसी को राजा बना दे और देश से निकाल दे। और महाराज और बोल गए, सकहूं तोर अरे अमरों मारी, मैं अमर को भी मार सकता हूं और तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, जानस मोर स्वभाव बरोरो, के कई तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो। और महाराज कुछ के कई कुछ नहीं बोली और महाराज ने एक बात और कह दी, राम ही देव काले जो बराजो सजही सिलोचन मंगल साजो, सजही सिलोचन मंगल साजो, सजही सिलोचन मंगल साजो, राम ही दे जय हिंद लो चले।
मैं राम को कल राजा बनाने जा रहा हूं। जैसे ही महाराज ने इतनी बात कही तो केकई लगता है कि जैसे कोई पका बतोड़ होता है, कोई उंगली लगा देता है। इसी प्रकार गोस्वामी बाबा कहते हैं कि दलकी उठे सुनी हृदय कठोर जन छुई गयो वो पाकबर तोरो दलकी उठ्यो सुनी हृदय कठोरो दलकी उठ्यो सुनी हृदय कठोरो दलकी उठ्यो सुनी हृदय कठोरो जन छुई गयो पाकबर तोरो ऐसा लगता है जैसे ही महाराज ने कहा कि राम ही देव काल जुब राजू तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी पके बत्तोड़ पर कोई उंगली लगा देता है। लेकिन केकई फिर भी रोई नहीं। गोस्वामी बाबा कहते हैं ऐसे उपीर बिहसते ही गोई चोर इनार जिम प्रगट न रोई। और क्या बोली, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, अरे जो मुझे मनाने आए हो। कौन तुम्हारी लगती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, मैं होती कौन हूँ आपकी। और इतना कहा केकई ने फिर एक बात और कही, बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। तुम तो मेरे स्वामी हो और प्रजा को पालने वाले हो, और महाराज मेरे तो वरदान तुम पर बहुत पुराने बाकी हैं। लेकिन जब तक मंथरा ने क्या कहा था, मंथरा ने क्या कहा था कि भूपति राम शपथ जब करें, अरे तब मांगे हो जही बचन ना करें। भूपति राम शपथ जब करही, भूपति राम शपथ, भूपति राम शपथ जब करही, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हो जही बचन न डरे।
तब मांगना के कई और के कई कहने लगी, महाराज जब तक आप राम जी की सौगंध नहीं खा जाओगी तब तक मैं वरदानों को नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी महाराज। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं, महाराज ने क्या कहा, देवी हमारे पुरजों में तो ये चला आया है, प्राण तो चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं खाली जाएगा, कि रघुकुल रीति सदा चलिया आए, 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 प्राण जाही पर बचनो न जाए, मैंने कथा सुनाई थी महाराज रघु की। इनके ही परिवार में महाराज हरिश्चंद्र भय, इन्होंने भी बहुत बड़ा दान दिया, लेकिन महाराज रघु ने सर्वदक्षिण दान किया कि शरीर पर केवल कपड़े थे महाराज रघु के। वही बात कह रहे हैं महाराज दशरथ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, मांगो के कई दुई के चार मांग तुम ले, दुई के चार मांग तुम ले, दो वरदानों की बात करती हूँ चार मांग लो। के कई बोली, सुनो स्वामी धीरज धरो और सुनो मैं क्या मांगती हूँ, कि लो सुनो प्राणपति प्राण नाथ वह थाते आज मांगती हूँ, लो सुनो प्राणपति प्राण नाथ वह थाते आज बदले निज सुत को राज मांगती हूँ, सुनो मेरा पहला वरदान है मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी, मेरे पुत्र को राजगद्दी, और दूसरा वरदान क्षण जो की दूसरा है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन कर कंपित मत होना, जो कि दूसरा है मेरा तो सुनकर कंपित मत होना महाराज, क्षण जो कि दूसरा है मेरा तो सुनकर कंपित मत होना, और क्षत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना।
अब मैं दूसरा वरदान मांग रही हूँ। महाराज ने कहा, महाराज को दुख तब भी नहीं हुआ जब भरत को राजगद्दी के कई ने मांग ली। कहा के कई दूसरा वरदान बताओ। महाराज को क्रोध नहीं आया तो के कई कहती, सुनो राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को अरे तपसी बन कर वनवासी हो। महाराज जो राजा राम जी हो रहे हैं वो कल ही से बनवासी हो जाएं। सुनो हूं प्राण प्रिय, राधेश्याम जी कहते हैं, भावत जी का बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, दे हुए कुबर भरत ही टीका। और जब केकई ने दूसरा वरदान मांगा तो दोनों हाथ जोड़कर कह रही है केकई कि मांगू दूसर बर कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। पूर्वनाथ मनोरथ मेरी पूर्वनाथ मनोरथ मेरी।